ये हम चढ़ाने लगे हैं यखनी, इसमें डालते हैं पानी। तो इसको तो हमने पकाना है, खूब सारा पकाना है, इतना कि ये आधा रह जाए, फिर इसका सारा जो जूस है, सारी जो गिजाइत है वो निकलेगी, वरना बोटी में ही रह जाएगी। तो बोटी तो हमने फेंक देनी है। तो हमारा बच्चों वाला घर है, बेहतर है कि हम इसको पिछले चूल्हे पे चढ़ाएं। और ये जाता है प्याज, एक गार्लिक, मैं साबुत काली मिर्च, नमक, तो ये डाली अदरक, अदरक लहसुन प्याज काली मिर्च साबुत, सूखा धनिया साबुत, तो 3/4 टीस्पून होल ब्लैक पेपर, और ये सूखा धनिया 1/2 टीस्पून साबित, और डालते हैं नमक 1 टीस्पून। अच्छा, नमक ही अच्छा लगता है यखनी में। तो ये देखें, पूरी नहीं ढकनी, ये ना हो उबल ही जाए। तो ये दिखाएं आपको यखनी, ये देखें, देखा कितनी रह गई। अब हमने इसकी आंच बंद कर देनी है, देखें यहाँ थी और कहाँ तक है। तो जो ये पॉट है, ये स्कैन पैन की है, कॉनिक के से है, ये अब नहीं मिलती। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक दूसरे में आ जाती हैं, आराम से हम इन्हें रख सकते हैं। तो हमें ऐसा बर्तन पसंद नहीं है जो एक दूसरे में ना आ सके। तो गिलास जो लेते हैं, टम्बलर्स हम लेते हैं, वो भी इसी तरह लेते हैं, और जो पॉट्स लेते हैं वो भी इसी तरह की, लेकिन हो अच्छा ब्रांड। वैसे हम और भी स्कैन पैन के पॉट्स जो उसको देख रहे हैं, चाह रहे थे ले लें, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सोचा कि आजकल नॉनस्टिक जो बहुत अच्छा बनने लग गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि हम तो, जाहिर है, हमारा हर खाना जो है वो भूनने पर है, हर गोश्त हमने भूनना है, हर चिकन हमने भूननी है। तो बाहर के लोग जो ये बनाने वाले हैं बर्तन, जो ब्रांड्स हैं, ये तो हड्डियां नहीं भूनते, ये तो हड्डी वाला गोश्त भी नहीं खाते, ये तो सब बोनलेस खाते हैं, इनमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है बोन वाला खाने का। तो इन लोगों के लिए तो वो ठीक है कि उबाल लिया और स्ट्यू बना लिया या जो भी कर लिया, नरम नरम सी चीज़ें इस तरह बनाते हैं। फ्राइंग भी इनकी ज़िंदगियों का बहुत हिस्सा नहीं होती, ऑयल का यूज़ भी ये बहुत कम करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह पे बॉइल्ड पर, या स्टेक ज़्यादा से ज़्यादा खा लेंगे, वो भी हड्डी के बगैर होता है। तो उनके लिए तो वो पॉट्स ठीक हैं, लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने भून भून के खाना खाना होता है, हमारे तो वो काम नहीं आती। हमारा तो फिर वो था कि वक्त के साथ, उम्र के साथ, भून भून के वो जो सारा नॉनस्टिक की कोटिंग होती है उसके ऊपर वो उतर जाती है। अब वो कहते हैं ये मुजिर होता है, वो मुजिर होता है, अल्लाह जाने हम क्या क्या सूंघते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या मुजिर। इसी तरह ही ज़िंदगी है, इतनी एहतियातें तो हमसे नहीं की जाती। आखिर ये इतने बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, उसमें से ये गुजर की चीज़ें बाहर मार्केट में आती हैं। कोई देसी मुल्क तो नहीं है जहाँ पर कोई रिसर्च ही ना हो, या किसी चीज़ की कोई पूछ ही ना हो। तो ये जो बड़े ब्रांड्स यूजुअली चीज़ बनाकर मार्केट में लाते हैं, वो एक रिसर्च के तहत मार्केट में आई होती हैं। और कोई भी चीज़ जो ऐसी मुजिर हो, उसके बारे में बताया जाता है कि इसका ये ख़तरा है। आप खिलौनों तक पे देखें, लिखा होता है 4+, 2+, 1+ और 0-1 ईयर, इस तरह है, चोकिंग हैज़र्ड, हर चीज़ लिखी होती है। जैसे यहाँ पर ये जो बच्चे का दूध है, ये आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पर जोर देते हैं। तो ये नहीं कि माओं को सुहाने सपने दिखाए, जी बड़ा हेल्दी, बड़ा अच्छा। और हमने देखा कि बहुत सी माएँ ये भी समझती हैं हमारे यहाँ की, कि डब्बे का दूध जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हेल्दी है, जबकि ये गलत बात है, टोटली गलत बात है। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना एक सेल्फिशनेस है जो कि ब्रांड्स करते हैं। तो सिगरेट के यहाँ इश्तिहार नहीं चला सकते, बच्चे के दूध को ये एडवर्टाइज नहीं कर सकते किसी भी तौर पर। तो लीगली ये मना है, कानूनी तौर पर इन पर एक पाबंदी है। तो ना हो माँ का दूध फिर तो और है, मजबूरी हो फिर और बात है। तो ये वो चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक रिसर्च के थ्रू जाकर ऐसी बनाई जाती हैं। और फिर ये बड़े ब्रांड्स हमने देखा कि जब ये हमारे ममालिक से लिंक होते हैं, अपनी चीज़ें जो हैं वहाँ से बनवाने लगते हैं, तो इनकी क्वालिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है, फिर वो चीज़ नहीं रहती। तो जिन बातों पर हमें प्राउड होना चाहिए, हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जो हमारे कल्चर की मेहमान नवाजी है, जो मोहब्बतें हैं, हम उस पर ज़रूर प्राउड हैं। लेकिन हम उन चीज़ों पर प्राउड नहीं हो सकते जिन पर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, जिन पर हमारा दिल शर्मिंदगी महसूस करता है। तो जिन चीज़ों पर फ़ख्र करना चाहिए अपने कौम की, करना चाहिए, और जिन चीज़ों पर अफसोस करना चाहिए उन पर करना चाहिए, उनको नापसंद करना चाहिए, उनके बारे में इंसान को कहना चाहिए कि बुरा हुआ, बुरा किया।
ये नहीं कि देशभक्ति का नारा मारकर आप सब बुराई और अच्छाई को मिला दें, और सबसे पहला कदम जो आप बेहतरी की तरफ मारते हैं वो ये होता है कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ ये गलत है। एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे पहला स्टेप है कि हाँ आप मोटे हो रहे हैं, आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं। जब तक आप इस डिनायल में रहेंगे कि आप तो खाते ही नहीं आप फिर भी मोटे, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप खाएंगे तो आप मोटे होंगे। बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं जो बताते हैं कि वो शख्स जब स्ट्रेस में ज़्यादा खाता था या परेशानी में ज़्यादा खाता था तो उसका कोई रीज़न होता है। तो जैसे हमने डॉक्टर से कहा कि हम एक मेडिकेशन पे थे, हमारी उससे नींद उड़ गई, हमें रात को नींद नहीं आती थी, हमने कहा हमें नींद नहीं आती, हम समझे थे कि उसने हमें नींद की गोली देनी है कि जब ज़रूरत हो खा लिया करना। वो कहने लगे कि पहले स्लीप क्लिनिक जाओ, जाके देखो कि क्या वजह है। तो ऐसे ही नहीं दवाई भी दे देते, हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट है और हर चीज़ का एक रीज़न है, एक बीच है जो कहीं ना कहीं है, आप जानते हैं या आप नहीं जानते, वो वहाँ पर है। तो आइडेंटिफाई करना उस चीज़ को कबूल करना, गलत को गलत कहना, और हाँ ये भी नहीं कि मुआशरे में एक इंतशार ही पैदा करते चलें कि हर तरफ शोर मचा मचा के कहते रहें ये बुरा किया, ये बुरा किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये गलत किया, ये भी तरीका नहीं है। तो सबसे बड़ा इख्तियार, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, वो इंसान का अपने आप पर है। वो अपनी ज़ात को बेहतर करे, वो दूसरे की बुराई देख के खुद सीखे, वो बात ना करे, वो काम ना करे जिस काम ने कभी उसे दुख दिया हो किसी की तरफ से। तो आप अगर अपना आप सुधार लें, अपना आप बेहतर कर लें, तो एक मुआशरा बेहतर हो जाएगा। अगर आप दूसरे पर एतराज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर साथी आते हैं, हमारा चैनल है और हमारी दुनिया है, कहते हैं नेल पॉलिश क्यों लगाई, हमारी उंगलियाँ हैं हमने लगा ली, तो इस पर दूसरे का इख्तियार नहीं है कि वो हमें टोके। आपका दीन धर्म है जो भी है, आप उसको प्रैक्टिस करें। आप दूसरे पर ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो क्या करे क्या ना करे। तो ये बातें जो हैं ये एक इंतशार पैदा करती हैं मुआशरे में और ताल्लुकात को ख़राब करती हैं, और वो लोग हमें तो यहाँ एक जुमला कह के चले जाते हैं लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगियाँ एक हेल बन जाया करती हैं उनकी अपनी ही आदतों की वजह से। तो इंसान बाज़ औक़ात साथ साथ सज़ा पा रहा होता है अपने अमल की। तो बाज़ सज़ाएँ जो हैं वो इंस्टेंट होती हैं, ये जो इस तरह की बात करना और दूसरे की ज़िंदगी में मदाखलत करना होता है, इसकी सज़ा बड़ी इंस्टेंट होती है, तो बहुत जल्दी ही इंसान को मिल जाया करती है। तो इंसान को चाहिए कि वो इससे बचे। तो ये डालते हैं यखनी अम्मी के लिए, आधा कप ही देंगे, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर है तो इसमें नमक होता है, और पानी भी उनको बहुत ज़्यादा नहीं देना इसलिए कि उनको फिर खांसी आने लग जाती है। तो अमूमन लोग समझते हैं खांसी लग गई बड़ों को अगर उनके पैरों पे स्वेलिंग है, तो बाज़ दफ़ा जब वो लेटते हैं तो उनके जिस्म में से जो पैरों में फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो उनके लंग्स में आ जाता है, उसकी वजह से उनको खांसी आने लग जाती है। तो उनको तकिया दे के लेटाएं, उनका सर थोड़ा ऊंचा करें या उनको कहें थोड़ी सी वॉक कर लें, उससे यह है कि वो बेहतर महसूस करने लगेंगे। तो ये वो ऐसे टोटके हैं छोटे छोटे जो इस फैमिली में रहते हुए हमने सीखे हैं कि मेडिकली क्या होता है, क्यों होता है। तो खांसी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, खांसी के बहुत सारे और रीजंस होते हैं कि वो क्यों आ रही है, वो फ्लूइड लंग्स में भर रहा है या पैरों से निकल के वो फिर सीने की तरफ को आता है, फिर दिल पे भी वो ज़्यादा वज़न डालता है और दिल पंप करने में भी मुश्किल महसूस करता है, थकता है, इंसान को थकन ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी बॉडी में इंसान में पानी ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं लेकिन वो तो सारी मेडिकेशन वगैरह जो है वो तो डॉक्टर की सुपरविजन में होनी चाहिए। तो आप उससे बात कर सकते हैं, डॉक्टर अगर मुनासिब समझे तो वो आपको दे सकता है, अगर किसी ज़ईफ़ को या किसी इंसान को इस किस्म का इशू है तो। और ये जो ब्लड प्रेशर की हमने बात की, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हुआ था तो तबीयत ठीक नहीं थी और अब बेहतर है। तो ब्लड प्रेशर अगर एक दो दफ़ा भी आपको लगता है कि हुआ है तो आपको दवाई पे होना चाहिए। अगर आप उस दवाई पे नहीं हैं तो आपको ख़तरा हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आज है कल नहीं है या ठीक हो गया या उसका इलाज कर लिया तो प्रॉब्लम इज़ फिक्स्ड। हेडेक की तरह नहीं है, बुखार की तरह नहीं है, फ्लू की तरह नहीं है, इसी तरह शुगर है कि वो ये नहीं है कि आज थी ठीक हो गई। ये चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉर्डर लाइन पे होती हैं, जो आपकी डाइट से कंट्रोल की जा सकती हैं। तो जैसे स्किन कैंसर होता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो डैमेज है आपकी स्किन पे, 50% ऑफ द डैमेज जो
कल को स्किन कैंसर बनता है वो 18 साल से पहले की उम्र में होता है, यानी कि बर्थ से लेकर 18 साल की एज तक 50% ऑफ द डैमेज हैज अकर्ड, कि वो हो चुका है। बाकी का जो 50% डैमेज है स्किन कैंसर के अपियर होने तक, वो आपकी बाकी की जिंदगी में होता है। तो ये तो हमने एक मिसाल दी, जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर है, ये बिल्कुल इसी तरह है। ये आहिस्ता 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 आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ती है। हो सकता है ये आपकी जीन में हो, आपने इनहेरिट किया हो, जैसे माँ बाप से नैन नक्श बच्चे के मिलते हैं, पता लगता है ये उसका बच्चा है, ये माँ पे है, ये बाप पे है, बहन भाई एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते हैं, फैमिली का पता लगता है कि ये उस खानदान का बच्चा है, कुछ ना कुछ अंदाजा होता है। तो बिल्कुल ये नहीं होता कि किसी यूरोपियन का बच्चा जो है वो हमारे पाकिस्तानी के यहाँ यूं ही पैदा हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं, जो बीमारियां हैं, ये भी इंसान के अंदर होती हैं, इनको भी इंसान इनहेरिट करता है, कर सकता है, कि अगर फैमिली में ये चीज़ रन करती है तो बाहर की दुनिया में अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है या कहीं का कैंसर है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उनको पहले से ही वॉर्न कर देते हैं कि आप इस चीज़ से बचें या आप इस चीज़ पर नज़र रखें। तो जैसे हमारी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, हमारी डैड को भी था और हमारी मम को भी है, और हमारी अम्मी जब से समझो 25-30 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई पर हैं, और हमने अपनी डाइट को सारी ज़िंदगी कंट्रोल रखा है। ये नहीं कि जब होने लगे जब फटाफट अमन के झंडे जो हैं वो गाड़ दें और कहें बस जिस वक्त खतरे की घंटी बजने लगे उस वक्त आप नमक छोड़ दें या चीनी छोड़ दें, तो ये बात नहीं है। आपको सारी ज़िंदगी, जैसे कि हमने सन का बताया, सन बर्न का बताया कि डैमेज 18 साल से पहले होता है, जब तो पता भी नहीं होता, इंसान ऐसे इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो इसी तरह पर वो चीज़ें हैं कि आप अगर उस चीज़ का इस्तेमाल सारी ज़िंदगी ज़्यादा करते रहे हैं तो एंड ऑफ द डे आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो बीमारी लग जाएगी। जैसे आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज़ है और आप सारा वक्त मिठाई खाते रहते हैं, हर खाने के बाद मुँह मीठा कर रहे हैं, तो वो फिर ज़रा महंगा पड़ जाया करता है। तो इस वजह से उन चीज़ों का इंसान को पहले से ही ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही नहीं, जिस फैमिली में कोलेस्ट्रॉल है वो रेड मीट से परहेज़ करें, वो मुर्गी खा लें, वो मछली खा लें, वो गोश्त वोश्त ज़रा कम करें, दालें सब्जियां ज़रा ज़्यादा कर दें। तो आम रूटीन में ये चीज़ें जो हैं ये शामिल होनी चाहिए और ज़िंदगी को गुजारने का सलीका आना चाहिए। अब जो बाज़ लोग होते हैं, जो नीम हकीम होते हैं, वो एक ही चीज़ सब पे लागू कर देते हैं कि आप ऐसा करें तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा करें, जबकि हर शख्स अलग है, हर ख़ानदान अलग है, हर शख्स की फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां जो हैं वो चली आती हैं। कहीं तो मरना है ना, हर चीज़ फानी है, इंसान की ज़िंदगी में एक दिन तमाम होना है। तो ये तो होना ही होना है कि थोड़ा थोड़ा करके बंदा मरना शुरू हो जाता है एक उम्र पे आकर। कुछ लोगों का ज़रा वो जल्दी शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का ज़रा वो बाद में शुरू होता है। हाँ, उसको घसीट के खींच खूँच के थोड़ा बहुत लंबा ज़रूर कर लिया जाता है एहतियातों से। तो जैसे कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ की डाइट अच्छी है, जहाँ जैतून वगैरह खाया जाता है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की हवा ताज़ा है, वहाँ पर पहाड़ों पे चढ़ने से बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो उम्रें ज़्यादा लंबी पाते हैं। जबकि ऐसे लोग जहाँ पर बंद जगह हैं, छोटे घर हैं और सर्द मुल्क हैं, वहाँ पर इंसान उम्र तो पा जाता है लेकिन वो हेल्दी वैसा लाइफस्टाइल उसका भागा दौड़ा नहीं रहता, उसको जोड़ों का मर्ज लग जाता है। तो किस कंट्री में हैं, फैमिली आपकी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, एवरीथिंग काउंट्स। तो आप एक ही पैमाने से सबको नहीं तोल सकते, नहीं माप सकते, एक ही स्केल पर आप सबको जो है वो वे नहीं कर सकते। तो हर शख्स अलग है, हर शख्स को ये टिप आनी चाहिए, ये सलीका आना चाहिए कि उसने क्या करना है और उसने क्या नहीं करना। नमक और चीनी ये दोनों पॉइजन्स हैं, इसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। आप उस स्टेज पर ना पहुँचें कि आपको फीका खाना पड़े ज़िंदगी में। हमें बहुत डर लगता है, हमें सारी ज़िंदगी नमक बहुत पसंद रहा है लेकिन हमने संतरे खाने छोड़ दिए क्योंकि हमें नमक लगा के अच्छे लगते हैं, तो हम नहीं खाते। तो एक आध खा लिया कभी, वो भी ज़रा सुबह के वक्त के, हाँ चलो सारा दिन आगे गुजारना है, तो खासकर शाम के वक्त ऐसी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। अगर खांसी आती है, जिस्म में स्वेलिंग है, तो शाम के वक्त पानी पीने से ज़रा कमी करना शुरू करें। दवाई भी कोई नई शुरू करनी हो आप सुबह के वक्त करें कि कोई उसका अगर साइड इफेक्ट है कुछ है तो जीते जागते आपको पता तो चले, ये ना हो सोते सोते वफात पा जाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका सलीका आना चाहिए, जिनका पता होना चाहिए। तो सलीका सिर्फ जैसे हमने कहा हांडी रोटी पकाने का नाम नहीं है, सलीका एहसन तौर पर ज़िंदगी को गुजारने का नाम है, जी कर मरने का नाम है, कि आप उसका बेस्ट यूज़ मेक कर जाएं।
ये है अपने टाइम का जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है जीने का, जितनी सांसें आपकी हैं आप उनमें जो कर सकते हैं बेहतरी के लिए वो करें। तो हर चीज़ में प्रोग्रेस होनी चाहिए, हर चीज़ में एक तरक्की होनी चाहिए, इंसान के उठने में, बैठने में, बोलने में, खाने में, पीने में, पकाने में, गूंधने में, घर रखने ढकने में, अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का ख्याल रखने में, अपने प्यारों का ख्याल रखने में। ये वो नॉलेज है जो हर खातून खाना का होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसने क्या पकाना है, उसको पता होना चाहिए दोपहर के लंच में क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, कितने बजे तक खाना चाहिए, रात के डिनर में क्या चीज़ बनानी चाहिए अगर लोग खाते हैं तो। और मोस्टली ये होता है कि दिन को तो सारे लोग कामों पर होते हैं और खाना जो है वो मेन मील हमारे यहाँ रातों का हुआ करता है, डिनर जो कि सबसे कम होना चाहिए, मामूली होना चाहिए। तो मुश्किल है ये काम, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए कोई भी चीज़ आपने अच्छी बनानी हो, कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करना हो, तो उसके लिए एक एफर्ट पुट इन करना पड़ता है। तो वो जो चीज़ है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और आपने पेट भी भरना है और आपने सेंसिबली भरना है, पकाना भी अच्छा है लेकिन एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो अपने घर वालों को खिलानी है, ये काम जो है ये खातून खाना का है। तो इसके लिए एक सलीका चाहिए होता है कि क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। तो सिर्फ सैंडविचेस पे ज़िंदगी नहीं गुजरती, हमारी नहीं गुजर सकती। तो हम तो घर में हैं, चलो हमने 1:30 बजे अपना खाने का टाइम रखा हुआ है, हमने हांडी भी पकानी है तो 1:30 बजे से पहले पका के फारिग होना है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि 2 बज रहे हैं और खाना तैयार नहीं हुआ, हम खुद बनाते हैं। तो प्रायोरिटी जो है सबसे पहले वो कामों में होनी चाहिए कि आपने क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। जैसे कहा जाता है कि ये पहाड़ जो हैं ये अल्लाह ताला ने ज़मीन का वज़न बैलेंस रखने के लिए बनाए हुए हैं कहीं कहीं, कि वो अपने मदार पर घूम सके, एक बैलेंस से स्पिन कर सके, जो हमने सुना है यूँ सुना है। तो ये समझो कि कीलों की तरह कहीं कहीं कि ये ठहर जाए, अल्लाह ताला ने पहाड़ ज़मीन पर गाड़े हुए हैं, पानी कहीं रखा हुआ है। पानी देखें आप कि किस तरह मद्दोजजर है उसका, कि कहीं वो ऊंचा हो जाता है कहीं वो नीचा हो जाता है, ये क्यों है? वो इसीलिए कि ज़मीन अपने मदार पे घूम सके, एक फ्लूइड रखा ऐसा जो कहीं से कहीं चला जाता है अपने वजन के हिसाब से। तो बड़ा ही ये हिकमत का एक निज़ाम है जो आपके आसपास चलता है, जिसको अगर आप आँख खोल कर देखें तो आप हैरान हों और आपको पता लगे कि खुदा है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान नहीं बना सकता, ये वो हिकमतें हैं। और हर चीज़ साइंस से साबित है, ये नहीं है कि ऐरी फेरी बात है कि कोई आसमान से उतर आया, ये नहीं हो रहा है तो कि सुबह उठे तो अल्लाह ताला ने बच्चा अता किया हुआ था, सुबह सोया हुआ बिस्तर पे मिला, ये नहीं होता है। पैदा करना पड़ता है, प्रेगनेंसी झेलनी पड़ती है। तो ये नहीं है कि खुदा ताला कर नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन उसके अपने असूल हैं। ये दुनिया जो है, ये निज़ाम जो है, ये जिस पर चलता रहा है उसी पर चलेगा। तो जो मिरेकल है, जो मोजज़ा है, वो कानून कुदरत के ताबे है, अंडर आता है। ये नहीं होगा कभी भी कि मगरिब से सूरज तुलू हो, ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता, लेकिन उसका एक सिस्टम है, हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चलती है जो उसने इस दुनिया का बना रखा है। तो जो मैजिक है और मिरेकल है उसमें फ़र्क ही यही है। मैजिक वह है जो नज़र का धोखा है, जो हकीकत में वो नहीं है बल्कि आपको दिखाई देता है। और जो मिरेकल है वो ये है कि उसको साइंस प्रूफ करती है, कल नहीं करती थी तो आज करती है, आज नहीं कर रही तो कल करेगी, क्योंकि वो नेचर के तहत आती है, कुदरत के तहत आती है, एक निज़ाम के तहत आती है और उसका एक सेटअप है। वो हवा में उड़ता हुआ एक शोशा नहीं है मिरेकल, वो सारा का सारा जो है वो निज़ाम कुदरत के तहत है और हुआ है और हो सकता है और साइंस उसे साबित करती है। तो जो ऐरी फेरी बातें हैं कि ये होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ये सारी बातें जो हैं इन पर हम तो बिलीव करेंगे, हमारे पिछले भी करते रहे हैं, लेकिन हमारी अगली नस्लें नहीं करेंगी। वो हंसेंगी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, देखो ये भला कभी हो सकता है? तो हमेशा मिरेकल और मैजिक के फ़र्क को समझें। तो ज़िंदगी के ये जो काम हैं ये उन पहाड़ों की मानिंद हैं जो कहीं कहीं मेखों की तरह लगे हुए हैं, जो आपकी ज़िंदगी को ठिकाने पर रखते हैं, मदार पर रखते हैं। तो बात कहीं से कहीं निकल गई और ये देखो जरा अल्लाह हमारे पास फिर आ गई, हमारे पौधे खा जाएंगे। चले चले इधर से, ये ना हमारी तार काटने आई है, सुबह से ही हमारे पीछे हैं, हम इनको दाना डाल के आए हैं और ये नहीं खाते, ये ब्रेड मांगने आते हैं। ये ना इन्हें गुस्सा है कि हमने तार क्यों बांधी हुई है। तो इस क्लिप को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो रात का जो डिनर है वो आपने पेट भरने वाला बनाना है उन लोगों के लिए जो दिन को काम करते हैं, और वो लोग जो घर पे रहते हैं
उनको चाहिए कि वो दोपहर को खा लें, रात को थोड़ा मोड़ा खाएं। और जो बाहर काम करने वाले हैं उनके लिए रात को ऐसी चीज़ बनी हुई हो जो बहुत ज़्यादा शकील ना हो, बहुत ज़्यादा भारी ना हो, और ज़्यादा फ्रूट्स वो खा लें या वेजिटेबल्स वो खा लें, साथ सैलड्स वगैरह हो, एक रोटी माप के खा लें, इस तरह का अगर वो लाइफस्टाइल रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक ब्रॉड मेन्यू हो आपका, ऐसा नहीं कि रोज़ गोश्त पक रहा है, ऐसा नहीं कि रोज़ दाल पक रही है, ऐसा नहीं कि रोज़ बाहर से खा रहे हैं, तो ब्लेंड हो कि कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, कभी चावल कभी रोटी कभी नान, इस तरह। तो पास्ता वास्ता तो हमारे मियाँ साहब नहीं पसंद करते, ये सारे जो मॉडर्न खाने हैं वो पसंद नहीं, वो सालन रोटी पसंद है, सिंपल खाना खाने वाले। हम भी ये चीज़ें खाएं तो हमारा पेट नहीं भरता है, लज़ानिया हो, पास्ता हो, नूडल्स हो, ये चीज़ें खा के हम फुल फील नहीं करते, हमको रोटी चाहिए। चावल खा के भी हम परेशान होते हैं, दोपहर को हम खा थोड़े से सकते हैं, खा लेते हैं, फिर 4-5 बजे ही हमको भूख लग रही होती है, फिर रात सारी गुजारनी होती है, हम तो डिनर नहीं करते। तो इस तरह पर है, तो हम खजूर खा लेते हैं, आधा गिलास दूध पी लेते हैं, इस तरह हमारा रात का खाना होता है। तो हम सारी ज़िंदगी पत्ते दुबले रहे, हम कभी मोटे नहीं हुए, और इसलिए नहीं कि हमारी साख्त ऐसी थी, बल्कि इसलिए कि हमने अपनी डाइट का ख्याल रखा है। हमने खाया सब कुछ है लेकिन थोड़ा खाया है, घर में कभी बेकिंग नहीं की, कभी मीठा नहीं बनाया, ना बच्चों को सिखाया, ना इस चीज़ को प्रमोट किया। तो कभी कभी चखने की हद तक ठीक है, लेकिन बेकिंग बिना बटर बिना क्रीम्स बिना शुगर के है ही नहीं। तो आप उसको हेल्दी कैसे बना सकते हैं? जो लोग ये कहते हैं बड़ा हेल्दी बगैर बटर के बनाएं, तो चीनी तो है, चीनी क्या है, एक इंस्टेंट एनर्जी है स्ट्रेट अवे, जो आपकी बॉडी को कामकाज किए बिना मिल जाती है, तो खतरनाक है वो इंसान के लिए, उसको न्यू एज पॉइजन कहा जाता है। तो ये थी थोड़ी मोड़ी बातें आपके साथ, छोटे छोटे सलीका के तहत हमने सोचा कि हम आपके साथ कर लें। बहुत अरसे से ये क्लिप जो है नहीं बनाया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको घर की भी दिखानी है और सिखानी है, तो इंशाल्लाह गाहे गाहे हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।